वेलकम बैक एवरीवन। सो आज की वीडियो में हम बात करेंगे उन टॉप 5 गर्ल्स के बारे में जिन्हें उनके क्रश ने कर दिया है रिजेक्ट। भले ये सुनने में काफी ज्यादा अजीब लगता हो, लेकिन दुनिया जहां में अभी तक कुछ लौंडे ऐसे हैं जिन्हें ये सब प्यार मोहब्बत में कोई इंटरेस्ट नहीं है। भले ही लड़कियां इन्हें देख के सोचती है वाओ क्या लड़का है, वेरी हैंडसम बॉय, बट ये लौंडे पिघलते ही नहीं। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? तो यहाँ आज का वीडियो भी बहुत ही ज्यादा मजेदार होने वाला है, एंड तक जरूर देखने का। वीडियो का लाइक टारगेट है 600 ओनली, जो कि आई नो तुम आराम से कर सकते हो। और अगर तुम नए हो मेरे चैनल पे तो क्या कर रहे हो, अभी कभी सब्सक्राइब करो। वो जो लाल कलर का सब्सक्राइब बटन है उसे प्यार से दबाओ और साथ ही में बेल भी बजा दो ताकि वो तुम्हें रेगुलर देती रहे मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन। तो भैंस को और ज्यादा पानी ना देते हुए लेट्स स्टार्ट दिस मस्त वाली वीडियो। वेल तो नंबर 5 पे हमारी सिजुका। सबको पता है कि सिजुका को डेगी जुगी के ऊपर क्रश था, और एपिसोड्स में ये भर भर के देखने को मिलता था कि सिजुका नोबिता को इग्नोर करते हुए डेगी जुगी के पास जाती थी। लेकिन हमें कुछ ऐसा भी प्रूफ मिलता है जहाँ पे हम देखते हैं कि डेगी जुगी को इन सबसे ज्यादा मतलब नहीं है। जैसे कि स्टैंड बाय मी 1 मूवी में हमारे थर की नोबिता सिजुका के साथ एक बहुत ही खतरनाक कांड करता है। वो सिजुका को एक ऐसे गैजेट के अंदर बंद करता है जहाँ से सिजुका जब भी बाहर निकलेगी एंड उसके सामने वो जिसे भी देखेगी सिजुका सीधा उसके प्यार में गिर जाएगी। मस्त प्लानिंग। एंड उसके बाद वो जो भी कहेगा सिजुका वही करेगी। बट हमेशा की तरह नोबिता का किस्मत खराब निकला एंड सिजुका के सामने खड़ा था हमारे डेगी जुगी भैया। अब सोचो डेगी जुगी क्या करता है, वो सीधा मना कर देता है और कहता है कि मुझसे ये सब थर्की के लिए नहीं होगा, बंद करो ये सब। जिससे नोबिता भी उसे नोटिस करके बोलता है मैं तो तेरे को हरामी समझता था, तो राम निकला रे, देव मानुष निकला रे। और एपिसोड्स में हमें जब भी सिजुका और डेगी जुगी को एक साथ दिखाया गया था सिजुका का फेस हमेशा लाल हो जाती थी, जिसका मतलब तुम अच्छे से जानते होगे, पर डेगी जुगी का थोड़ा कभी भी रेड नहीं हुआ। एंड ये सारे पॉइंट्स देख के हम बोल सकते हैं कि डेगी जुगी ने भले ही सिजुका को मुंह पे रिजेक्शन फेंक के ना मारी हो, बट इनडायरेक्टली रिजेक्ट किया है, और इसीलिए ये दोनों नंबर 5 पे है। नंबर 4 पे है साकुरा फ्रॉम नारुतो। अब साकुरा नारुतो सीरीज का वन ऑफ द मेन गर्ल कैरेक्टर है, मेन गर्ल कैरेक्टर है। एंड साकुरा को सासुके के ऊपर बचपन से ही बहुत जोर का क्रश था, और सासुके हमेशा उसे इग्नोर मारता था एंड उसे पीछा छुड़वाने का बहुत कोशिश करता था। एंड साकुरा को पता नहीं उसने कितने ही बार रिजेक्ट किया है, यहाँ तक कि एक बार दोनों में डेथ बैटल भी हुआ था, बट फाइनली पता नहीं कैसे यही फाइट की वजह से दोनों में प्यार हो जाता है एंड फाइनली दोनों में शादी भी हो जाता है। तो दोनों को बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन। वैसे क्या सिर्फ ये मुझे ही लग रहा है कि सलमान भाई का तेरे नाम मूवी साकुरा और सास्के की लव स्टोरी का कॉपी है? कॉमेंट सेक्शन में तुम भी बताना। आगे बढ़ते हैं नंबर 3 की ओर, जो कि है एस केचम और बहुत सारी लड़कियां। अब ये तो तुम्हें पता ही है कि एस को पोकेमोन और खाने के अलावा ज्यादा किसी चीज पे इंटरेस्ट नहीं है, और इसी चक्कर में उसने बहुत सारे लड़कियों को ऐसे ही रिजेक्ट करके रखा है। और नहीं, मैं अपने पोकेगर्ल्स की बात बिल्कुल नहीं कर रहा क्योंकि मुझे वर्ल्ड वॉर 3 नहीं चाहिए। इसलिए सेफ खेलने के लिए अपन बात करेगा साइड कैरेक्टर्स के बारे में। तो हाँ, एस को फाइनेंस पे खेलते हुए देख के बहुत सारी लड़कियां उसके ऊपर दीवानी हो जाता है, बट एस सबको रिजेक्ट कर देता है क्योंकि उसके पास पोकेगर्ल्स तो है ही ना। नंबर 2 पे वो लड़का जो है सबसे प्यारा, जिसको लड़कियों का प्यार मिलता है ढेर सारा, बट फिर भी वो अपना दिल कभी ना हारा, वो है हम सब का प्यारा सिंचन नोहारा। इस कमाल की सारी के लिए एक लाइक तो बनता है, तो जल्दी से लाइक ठोको। बात करें द लेजेंड सिंचन के बारे में, तो वो दुनिया का लगभग सारे लड़कियों का दिल चुरा के रखा है, बट फिर भी उसका क्रश है सिर्फ सिर्फ नाने को दीदी। बाकी लड़कियों को वो ज्यादा भाव नहीं देता, चाहे वो आयचन हो गया या फिर नैनी चैन। अगर तुम्हें सिंचन का प्यार पाना है तो तुम्हें सिंचन का दीदी बनना पड़ेगा शायद। बाकी यह सिंचन भाई लेजेंड है और इसीलिए वो नंबर 2 पे है। सो फाइनली नंबर 1 पे है मीसा अमाने फ्रॉम डेथ नोट। अब अगर किसी एनिमे के एमसी से किसी को बहुत जोर का रिजेक्शन मिला है ना, तो वो इसे ही मिला है। MC मतलब मेन कैरेक्टर, ठीक है? मालूम है तेरे बाप को, मत सिखा चल। मीसा अमाने जो कि जापान का एक टॉप मॉडल थी, उसे अचानक से बहुत जोर का प्यार हो जाता है एनिमे वर्ल्ड में आज तक दिखाया गया वन ऑफ द मोस्ट हैंडसम लड़का लाइट यागामी पे। वेट, वीडियो छोड़ के मत जाओ क्योंकि मैं यहाँ पे कोई भी स्पॉइलर नहीं देने वाला हूँ। मैं बस बात करने वाला हूँ दोनों का लव स्टोरी के बारे में, जो कि डेथ नोट में था ही नहीं। जो भी एक तरफा प्यार था मीसा की तरफ से, लाइट बस उसका भरपूर यूज करता है। लाइट मीसा से प्रॉमिस किया था कि जब वो दुनिया का गॉड बन जाएगा तो उसे अपना गॉडेस बनाएगा, बट ऐसा कुछ भी नहीं है क्योंकि असल में वो चाहता था कि गॉड बनने के बाद वो मीसा को मार देगा। मतलब समझ रहे हो कितना सेल्फिश था लाइट। बस आगे और मैं कुछ नहीं बोलने वाला क्योंकि मैं तुम्हें कोई स्पॉइलर नहीं देना चाहता हूँ। और अगर तुमने अभी तक डेथ नोट नहीं देखे हो तो देख लेना जरूर यार, क्योंकि डेथ नोट इज अ मास्टरपीस इन एनिमे वर्ल्ड। सो आई होप कि तुम्हें आज की वीडियो काफी पसंद आया है। आज की वीडियो पार्ट 2 था ऑफ दिस वीडियो, तो अगर तुमने ये नहीं देखे हो तो जल्दी से देख लेना, लिंक आई बटन और डिस्क्रिप्शन में है। बाकी वीडियो को लाइक कर दो, एम करता हूँ 600 लाइक के लिए। वीडियो पे कमेंट करो, दोस्तों को शेयर करो, और अगर तुम नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर दो यार, रोड टू 50K। और मैं तुमसे मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप स्माइलिंग, स्टे हेल्दी, और आज के लिए।
अरा अरा सायोनारा।